sikhaya hoya ohno na मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बधाई के पात्र हैं कठुआ के सारे वासी। आज यहाँ एक नई शुरुआत हुई है, जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर में टाटा मेमोरियल सेंटर कैंसर हॉस्पिटल बम्बई के सौजन्य से एक यहाँ पर फैसिलिटी कायम की जा रही है। शुरुआत में पैलिएटिव और कीमोथेरेपी, आने वाले समय में रेडिएशन, और फिर आगे चल करके जैसे कुछ एक स्थानों पर हमने पोस्ट डॉक्टरल DMCH कोर्सेज भी शुरू किए, उसके ऊपर भी विचार किया जाएगा, योजना बनाई जाएगी। और कठुआ का ये महत्व रहेगा कि ये एक भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा स्थान है कि जिसके साथ तीन क्षेत्र जुड़ते हैं, हिमाचल प्रदेश भी, पंजाब भी, जम्मू कश्मीर भी। और प्रतिदिन हमारे पास बड़ी भारी संख्या में इस तरह की फ़ोन कॉल आया करती थी कि साहब मरीज़ कैंसर का है, उसको ले जाना है अस्पताल में, एम्स में व्यवस्था कर दीजिए, या टाटा में व्यवस्था कर दीजिए, या दाखिल हो गया तो उसके रहने की व्यवस्था नहीं है। और उसको देखते हुए, और जैसे कि अब आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अफोर्डेबल एक्सेसिबल हेल्थ केयर उपलब्ध करवाने की एक हमने संकल्प भी किया है, जहां सन 2014 से पहले मात्र 145 मेडिकल कॉलेज होते थे सरकारी क्षेत्र में, आप बढ़ करके 260 हो गए, एम्स भी बढ़ गए 16-17 से अधिक हो गए। इसी प्रकार टाटा मेमोरियल सेंटर के भी सैटेलाइट हॉस्पिटल स्थानों पे, भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित करने का हमने क्रम शुरू किया। उत्तराखंड में कर रहे हैं, बिहार में कर चुके, गुवाहाटी असम में किया, और आपको याद होगा अभी 1.5 वर्ष पहले मोहाली में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं लोकार्पण किया, वो तो पूरा अस्पताल था, उस स्केल पर नहीं लेकिन छोटे स्केल पर यहाँ पर भी ये फैसिलिटी हम आज से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर वहाँ की फैकल्टी भी उपलब्ध रहेगी, और स्टेट ऑफ आर्ट लगभग क्वांटिटी टेक्नोलॉजी के साथ मिलती जुलती हमारी रेडिएशन की फैसिलिटी है मोहाली में, जो यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। क्योंकि जीवन काल बढ़ने के साथ साथ, लाइफ स्पैन बढ़ने के साथ साथ, कैंसर की प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। अगली उम्र की बीमारियां शायद इसलिए नहीं होती थी पिछली पीढ़ी, क्योंकि तब तक जिंदा रहने का, जीवित रहने का मौका नहीं मिलता था। लाइफ स्पैन सन 1947 से 50 से कम था, बढ़कर के 65 से ऊपर हो गया और आगे बढ़ता जा रहा है। तो मैलिग्नेंसीज ऑफ द ओल्ड एज हैपनिंग बिकॉज वी आर लिविंग अप टू ओल्ड एज, एट द सेम टाइम डिजीजेज ऑफ द ओल्ड एज हैपनिंग इन द यंगर एज, जैसे टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, जैसे कुछ एक कैंसर। इसके अतिरिक्त कैंसर का भी एक डिस्ट्रीब्यूशन था, नॉर्थ ईस्ट में हेड एंड नेक कैंसर ज़्यादा होता था, कश्मीर घाटी में स्किन कैंसर होता था क्योंकि कांगड़ी का इस्तेमाल होता था, उसको कांगड़ी कैंसर कहा करते थे। कई स्थानों पर लंग का कैंसर ज़्यादा होता था जहाँ पर सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल, लेकिन अब चूंकि पर्यावरण में भी कुछ एक बदलाव आया है तो हर तरह के कैंसर हर तरह जगह पे देखने को मिल रहे हैं। जो सिगरेट नहीं पीते, तम्बाकू लोशन नहीं करते क्योंकि पोल्यूशन इतनी है, तो वहाँ पर भी लंग कैंसर। इसको देखते हुए ये जो बदलती हुई एपिडेमोलॉजी है और एपिडेमोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है बीमारी का, इस तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाना अनिवार्य समझा गया है। और मुझे लगता है कि एक नया आयाम भी रहेगा, और कठुआ में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो जम्मू कश्मीर में पहली बार, जम्मू कश्मीर का सबसे पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में, जम्मू कश्मीर का सबसे पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट जम्मू कश्मीर में, और
इसके साथ साथ यहाँ पर जो पार्क बने हैं, बिरला पार्क, हाईलैंड पार्क, मुझे लगता है कि जम्मू के बेहतरीन पार्कों को की तुलना में वो खड़े होकर के खड़े रहते हैं। और आने वाले समय में दूसरे अस्पतालों से और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से भी यहाँ पर पेशेंट रेफर करने का चलन होगा। इस प्रकार की हम यहाँ पर सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ एक और मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना है कि टाटा के सौजन्य से हम ये सुविधा यहाँ पर आज से प्रारंभ कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ यहाँ के प्रशासन ने जो हमें सहयोग दिया है उसका भी एहतराम करना है। इसी के साथ एक ऑक्सीजन प्लांट पीटीएम के सौजन्य से यहाँ पर स्थापित किया गया। कोविड के दौरान ये ध्यान में आया था कि कभी कभी एकदम ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए लोगों की कुछ समय तक मांग थी कि अब वो ज़माना जाता रहा जब जेब से पैसे लगते थे कि एटीएम का हो और जेके बैंक के ताबून से वो भी आज यहाँ पर स्थापित हो रहा है। लेकिन ये जो कैंसर के उपचार की शुरुआत है, मुझे लगता है ये अपने में एक उदाहरण पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए रहेगा। सर, कहते हैं टेक्नीशियन की मोस्टली यहाँ पर कमी रहती है, हम मशीनरी का ये एक जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी चिंता है। बहुत सारी हमारी ऐसी डिस्पेंसरीज हैं और पीएचसीज हैं जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमने इसका जब चर्चा की तो कहा गया कि शायद डॉक्टर्स की कमी है उनके पास टेक्नोलॉजी, लेकिन जहाँ तक ये कैंसर की फैसिलिटी का संबंध है, हम इसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज वहाँ से भी उपलब्ध करवाएंगे, टाटा के सौजन्य से भी, मोहाली के हमारे अस्पताल से भी उपलब्ध करेंगे, और साथ ही साथ कुछ एक टेक्नीशियंस हमने यहाँ से भेज भी दिए हैं जो आज कल में वापस लौट आएंगे प्रशिक्षण लेकर के। तो कुछ एक यहाँ के लोकल टेक्नीशियंस को भी हम स्टेट ऑफ आर्ट प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करेंगे।